एक और चीज़ आपने देखी होगी कि कल के बाजार में जो ऑटो स्टॉक्स थे वो तेज रफ्तार भर रहे थे। मारुति सुजुकी M&M 2.25% बढ़कर बंद हुए, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों की जो गाड़ियां हैं वो महज 64-65 की स्पीड पर भी जो क्रैश टेस्ट है वो फेल कर गई। मतलब एक 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 चीज़ है, आपने जो बात कही, एक तो स्टॉक्स और गाड़ी इनकी संभल के चलाएं आज की तारीख में। जैसे कि दीपाली ने कहा कि 65 की स्पीड पे जो क्रैश टेस्ट हुए हैं उसमें भी ये कंपनियां फेल हो गई हैं। देश की 7 कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। स्कॉर्पियो को लोग ऐसे लाते हैं जैसे पुष्पक विमान हो। आप रोड पर देख लीजिए स्कॉर्पियो जो चलते हुए आती है, और तो वो क्रैश टेस्ट में फेल होना, अगर आप देखें इन ऑटो कंपनियों के लिए सेटबैक है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, मारुति की सेलेरियो जिसको बहुत अच्छे अवतार में उतारा था इन्होंने ऑटोमेटिक वर्जन में, हुंडई इऑन, रेनॉल्ट क्विड जो अभी अगर आप देखें ऑलमोस्ट छोटी कारों के सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी इन्होंने लोअर लेवल्स पे 3.75-3.45 की रेंज में। लेकिन अपने आप में आई थिंक जिन स्टैंडर्ड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं उन मानकों को तो नहीं शायद। मुझे याद है अच्छी तरीके से पिछली बार जब ये क्रैश टेस्ट हुआ था दीपाली, तो मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी डिज़ायर वो भी क्रैश टेस्ट में फेल हो गई थी, वो भी 65-70 की स्पीड की रेंज में। तो ऑटो कंपनियों के लिए अगर आप देखें बड़ी बड़ी नेगेटिव खबर है। यहाँ पर हायर स्टैंडर्ड्स और बेटर नॉर्म्स की बात होती है, और ऐसे में मौजूदा जो कार्स है वो क्रैश टेस्ट में जो फेल हुई है वो डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि कंपनी की ओर से सफाई आई है, M&M ने कहा है कि स्कॉर्पियो के जिस वर्जन का वो क्रैश टेस्ट में इस्तेमाल किया गया वो नॉन एयरबैग स्कॉर्पियो थी, और आमतौर पर उनके 70% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि एयरबैग लेस स्कॉर्पियो खरीदते हैं। ये तथ्य किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। एयरबैग तो तभी काम करेगा ना जब ढांचा कुछ तो सही दे, आपको सिक्योर करे थोड़ा सा, तो एयरबैग तो तभी कोई सहूलियत देगा। मयूरेश, आई थिंक ये एक मेजर सेटबैक है इन तमाम ऑटो कंपनियों के लिए, स्पेशली M&M के लिए और मारुति के लिए, और क्योंकि मारुति का छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आई थिंक उनके लिए मेजर सेटबैक है ये। सिलेरियो जिसने काफ़ी वॉल्यूम जनरेट करे थे आई थिंक ऑटोमेटिक वर्जन में आने के बाद, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? नहीं, एक सेंटिमेंटल सेटबैक हो सकता है, लेकिन आई थिंक इंडिया हैज़ टू कम आउट विद अ लॉट ऑफ नॉर्म्स सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ को लेके। लेकिन कहाँ जहाँ तक आई थिंक स्टॉक्स का सवाल रहा, अगर हम मारुति की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी तगड़ा है इनके पास। जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं आई थिंक दे आर स्टिल डूइंग वेल। कॉम्पिटिशन आई ज़रूर है, आई थिंक रेनॉल्ट की क्विड आई है, एंड यू सीन अ लॉट ऑफ लॉन्चेस कमिंग थ्रू, बट आई थिंक द मार्केट शेयर इज स्टिल बीन मेंटेन्ड। दूसरी बात, आई थिंक जैसे इन्होंने आई थिंक एक लोकलाइजेशन की तरफ जो पहल उठाई है ओवर द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे इन्होंने आई थिंक एक इंटीग्रेशन किया था लास्ट 4 पहले, आई थिंक उसके भी एक पॉजिटिव सिनर्जीज देखने मिलेंगे। आई थिंक द ओनली पॉजिटिव इफेक्ट प्रॉब्ली दैट आई सी गोइंग फॉरवर्ड विल बी मॉनसूनस आर बेटर, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी रह सकती है देन व्हाट मोस्ट एनालिस्ट एक्सपेक्ट। और एक नेगेटिव खबर ये रहती है कि आई थिंक जैसे येन की मूवमेंट रहेगी डॉलर के अगेंस्ट और रॉयल्टी पेमेंट्स रहेगी वहाँ पर, एक थोड़ा मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड, बट मारुति के आई थिंक जो एक मंथली नंबर्स आएंगे आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर थ्रो करेंगे इन माई ओपिनियन ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। कुल मिला के देखिए सर, शेयर बाजार अलग अलग चीज़ है, लेकिन एक सीख ये भी है कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। अगर आप मारुति की गाड़ी चलाते हैं, सेफ चलाएं, धीरे चलाएं, और आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट उसके बाद आता है।